चीन का कीमा बनाने उतरी भारतीय सेना। भारत ने चीन के खिलाफ उतारे 5 महायोद्धा। अब चीन के साथ साथ पीओके भी आएगा लपेटे में। खूंखार हथियारों के निशाने पर चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, काफी समय से चीन एलएसी पर तनाव पाले हुए है, तो वहीं पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं। पाकिस्तान भी समय समय पर एलओसी पर भारत के साथ संघर्ष करने की नौबत ले आता है। हालांकि भारत दुश्मनों का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रवैया थोड़ा बदला सा है। हद तो तब हो गई जब हाल ही में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने पीओके की यात्रा की और वहां पर बार बार इस क्षेत्र को आजाद जम्मू और कश्मीर कहकर संबोधित किया। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का ये रुख भारत को काफी हैरान करने वाला था और अमेरिका की इस हरकत से भारत काफी गुस्सा भी हुआ। इसको लेकर भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका को चेताया कि पीओके में अमेरिका की इस तरह से हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, पीओके में किसी अमेरिकी राजनयिक का ये दूसरा बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा था, इसलिए भारत इसे संवेदनशील मान रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान और चीन को लेकर अपने 5 सबसे घातक हथियारों को एलओसी और एलएसी पर तैनात कर दिया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की सेनाओं में हड़कंप मचा है। आइए जानते हैं इन 5 घातक योद्धाओं और उनकी ताकत के बारे में। नंबर 1, स्वदेशी वॉर व्हीकल कल्याणी M4। पाकिस्तान और चीन की गुस्ताखियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने सबसे पहले नंबर पर जिस स्वदेशी महायोद्धा को तैनात किया वो है स्वदेशी वॉर व्हीकल कल्याणी M4। भारतीय सेना के उत्तरी कमांड ने अपनी फ्लीट में नए बख्तरबंद वाहनों को शामिल किया है। इन पर 50 किलो IED का विस्फोट भी असर नहीं करेगा। यह सैनिकों को कहीं भी ले जा सकती है, हमला करने में भी मदद कर सकती है। इसे फिलहाल जम्मू और कश्मीर से सटी पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात किया गया है। भारतीय सेना की उत्तरी कमांड ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों की फ्लैट में स्वदेशी गाड़ी कल्याणी M4 को शामिल किया है। कल्याणी M4 की चारों तरफ ऊपर नीचे मोटा कवच लगा है, साथ ही बारूदी सुरंग से बचने की प्रणाली और मोटी ढाल भी लगाई गई है। यह भारत फोर्स द्वारा बनाया गया स्वदेशी बख्तरबंद ATHMCTC है। आपको बता दें कि कल्याणी M4 को कल्याणी ग्रुप की कंपनी भारत फोर्स बनाती है। लद्दाख में इससे भयानक ट्रायल्स हुए हैं, इसके बाद सेना ने इसे खरीदने का फैसला किया है। इस गाड़ी के ट्रायल्स की शुरुआत चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के दौरान शुरू हो गई थी। कल्याणी M4 ऐसा बख्तरबंद वाहन है कि इसके ऊपर 10 किलोग्राम TNT या 50 किलोग्राम IED बम के विस्फोट का भी असर नहीं पड़ेगा। इस गाड़ी का वजन 16,000 किलोग्राम है, लंबाई करीब 6 मीटर है, चौड़ाई 2.6 मीटर और ऊंचाई 2.45 मीटर है। इसके अंदर ड्राइवर को मिलाकर 10 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है। एक बार ईंधन भरने पर यह 800 किलोमीटर तक चल सकती है। पावर स्टेयरिंग वाली इस गाड़ी की अधिकतम गति 140 किलोग्राम प्रति घंटा है। नंबर 2, चीन पर प्रहार के लिए तैनात होगा प्रचंड। चीन की नापाक हरकतों पर विराम लगाने के लिए भारतीय सेना उत्तर पूर्व में LCH प्रचंड तैनात करने जा रही है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तैनाती असम के मिस्सामारी आर्मी एविएशन बेस पर की जाएगी। इस बेस की शुरुआत पिछले साल मार्च महीने में की गई थी। ये बेस चीन की सीमा यानी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। यदि चीन कोई हरकत करता है तो जवाब देने के लिए 330 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ने वाला यह हेलीकॉप्टर आधे घंटे से भी कम समय पर मौके पर पहुंच जाएगा। इस बेस पर LCH प्रचंड अपना काम करना इस महीने के अंत से शुरू कर देगा। LCH प्रचंड की वजह से चीन पर निगरानी रखने के साथ साथ पूरे पूर्वी कमांड में कई तरह की मदद मिलेगी। नंबर 3, भारत का स्वदेशी लड़ाका ध्रुव। इसके बाद बात करते हैं ध्रुव की। असम के मिस्सामारी आर्मी एविएशन बेस पर ही भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं, 73 और बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। 2 पायलट मिलकर इस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर में 12 जवान बैठ सकते हैं। 16.4 फीट ऊंचे इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार 630 किलोमीटर करने वाले
एक बार 630 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम ऊंचाई पर जाने की क्षमता 20,000 फीट है। ध्रुव के ही प्लेटफॉर्म पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को बनाया गया है। नंबर 4, चीता हेलीकॉप्टर। इसके अलावा स्पेस पर चीता हेलीकॉप्टर है। सेना के पास ऐसे 37 हेलीकॉप्टर हैं। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। इसमें 4 जवान या फिर 1135 किलोग्राम वजन ले जाया जा सकता है। 33.7 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 192 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 515 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है। अधिकतम 18,000 फीट तक जा सकता है। पहाड़ी इलाकों पर इसे उड़ाना आसान है। नंबर 5, रुद्र हेलीकॉप्टर। इसके अलावा एक शानदार हेलीकॉप्टर है आर्मी एविएशन बेस पर। यह है रुद्र हेलीकॉप्टर। सेना के पास ऐसे 75 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। ये एक हथियारबंद हमलावर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। 12 जवान बैठ सकते हैं। ये 52.1 फीट लंबा और 16.4 फीट ऊंचा है। अधिकतम 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसमें 20 mm की एक M621 कैनन, 2 मिस्टल रॉकेट्स, 4 FZ-275 LGR मिसाइल, 4 ध्रुवास्त्र मिसाइल तैनात किए जा सकते हैं। खैर दोस्तों, भारत की इस तैनाती को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं।